हम बात करने जा रहे हैं न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया की कैपिटल की और इंडिया के कैपिटल के सीएम के सरकार की। इसको जोड़कर देखेंगे श्रीलंका के साथ कि जो श्रीलंका में आपदा आई हुई है क्या वो दिल्ली में सीएम केजरीवाल की सरकार में भी आ सकती है, क्या वो दिल्ली में ये क्राइसिस ला सकते हैं आने वाले समय में। समझते हैं इस चीज को और देखते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों के ये सवाल थे और कह रहे थे कि ये चीज यहां पर हो सकती है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग मुझे पूछते हो कि मैं वीडियो डेली अपलोड क्यों नहीं करता, काफी डिले क्यों करता हूं। तो देखिए मैं बिजी होता हूं अपनी ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, करेंसी में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, यहां से मैं अपना पैसा अर्न कर रहा होता हूं। दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैं यहां पे डिले हो जाता हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं मेरे साथ पैसा बनाना और सीखना चाहते हैं मुझसे कि कैसे ये चीजें होती हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहां पर सिखाऊंगा। बस मुझे इस वीडियो के नीचे 1000 लाइक चाहिए। घर बैठे कैसे इनकम बनाई जाती है स्टॉक मार्केट से वो सारा सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए 1000 लाइक चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका को लेकर। तो श्रीलंका में जो अभी क्राइसिस आए हैं, सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि आखिर उसके पीछे वजह क्या है, हुआ क्या श्रीलंका में। देखिए हमने ज्यादा फोकस श्रीलंका पे नहीं करना है, हमने ज्यादा फोकस करना है दिल्ली के ऊपर, जिनको मैं मेन मेन पॉइंट्स लेके आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में समझ लेते हैं। देखिए श्रीलंका सबसे पहले समझ लीजिए कि एक देश है, एक कंट्री है और दिल्ली एक स्टेट है। ठीक है, दिल्ली को कंट्रोल सेंटर के द्वारा किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ना कि दिल्ली की स्टेट करती है। ठीक है, सारा कुछ कंट्रोल मेन सेंटर के हाथ में होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी श्रीलंका के ऊपर। तो अगर ये देश है तो यहाँ पे आपदा जो आई है उसकी वजह क्या है। देखिए इनके ऊपर लोन जो था वो ऑलरेडी था, चाइना से लिया है और भी काफी देशों से लिया है, हमसे भी लिया है। अब इन्होंने जब ये लोन लिया तो इस लोन को चुकाने के लिए कुछ और लोन्स लिए और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने लोन उठाए, जिनको चुका पाना बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि जो पुराने लोन लिए थे उसमें भी इंटरेस्ट लग रहा था, जो और हायर लिए उस पे और लगे, जिसकी वजह से इनका जो फॉरेन का रिजर्व था, यानी कि जो फॉरेक्स आप कहते हो करेंसी होती है, जो फॉरेन का रिजर्व होता है जो देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाता है, बताता है उसकी वेल्थ को, वो कम होना शुरू हो गया, जिस वजह से करेंसी आप कह सकते हो डाउन कह सकते हो, या करेंसी को डाउन को हम मैटर नहीं लाते हैं, जिस वजह से ये आपदा आई, इनको चीजें लेने में जो है बड़ी दिक्कत आई, जिस वजह से इनके जो रेट्स थे स्टेट के अंदर वो महंगे हो गए। जब ये चीज नहीं खरीद पाएंगे, इनके पास पैसा ही नहीं होगा इतना, तो ये खरीदेंगे कैसे। ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होगा उसी तरह से, तो खरीदेंगे कैसे। तो उस वजह से यहाँ पे तो सबसे पहले तो आ गई आपदा, जिस वजह से ये चीजें क्राइसिस देखने को मिली कि सरकार आगे खरीद ही नहीं पाई, सरकार के पास इतना पैसा नहीं बचा, ये कह सकते हो। चलिए हम श्रीलंका को छोड़ते हैं, अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम और दिल्ली की सरकार की। तो देखिए दिल्ली में भी जो मेन मेन पॉइंट्स हैं कि लोग जो चीजें देख रहे हैं कि भैया सब कुछ फ्री हो रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, तो उस वजह से सरकार पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए यार सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री की जा रही है तो भैया कमाना कहां से है, तो समझिए मेरी एक बात, इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो की जा रही है वो एक लिमिट तक की जा रही है, कुछ यूनिट तक की जा रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग करोगे, एसी लगाओगे, सारा कुछ लगाओगे और आपका बिल नहीं आएगा। बिल आएगा, लेकिन एक लिमिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हो तब आपका बिल नहीं आता है। अगर आप सोच समझ कर कहते हैं ना इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ कर अगर आप उपयोग करते हैं तो फिर आपका बिल नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर ये उन लोगों को फ्री कर रहे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, कुछ कैटेगरी में आते होंगे, जिनकी इनकम साल में कम है, तो उनके लिए फ्री होगा, ये सबके लिए फ्री नहीं है। अब जैसे कि इंडस्ट्री एरिया है, होटल्स हैं, ठीक है ना, आपके क्लब्स हैं, अब उनको ये फ्री नहीं है। आपको लगता है वो लिमिटेड बिजली यूज करते हैं, नहीं, तो वो तो बिल पे कर रहे हैं ना, तो बिजली का पैसा इनसे निकाल कर यहां दिया जा रहा है फ्री वालों को, समझ रहे हो। तो ये इनकम तो आपको यहां से हो रही है, इंडस्ट्री के तो काफी बड़े बड़े बिल आते हैं तो वो तो बिल पे कर ही रहे ना। अब बात करते हैं यहां पर हॉस्पिटल की कि हॉस्पिटल में फ्री है। तो देखिए दोस्त, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आप किसी भी स्टेट में जाइए तकरीबन आपको फ्री ही मिलते हैं, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको फ्री नहीं मिलते, सब डॉक्टर आपको फ्री ही देखते हैं। एक छोटी सी 5-10 रुपए की पर्ची लगती है जो कि इतना डिपेंड आपको इफेक्ट नहीं करती है। दवाइयों का खर्चा है, हाँ वो मिलती है, लेकिन हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तकरीबन दवाई होती है, लेकिन आप भी सब जानते हो कि तकरीबन डॉक्टर प्राइवेट ही लिख के देते हैं जो कि बाहर से आपको देनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि तकरीबन सब स्टेट में हॉस्पिटल फ्री ही होते हैं गवर्नमेंट के। अब ज्यादातर लोग प्राइवेट में चले जाते हैं, तो आप नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल काफी बर्डन यहाँ पे पड़ा है। बात करते हैं टैक्स की, तो क्या आपको टैक्स माफ किया गया है जो लोग कमा रहे हैं, नहीं। अगर आप भैया जी बचाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से, स्कूल की फीस से बचाते हैं, तो गवर्नमेंट के स्कूल भैया हमारे यहाँ पर भी फ्री ही हैं, कोई फीस नहीं लगती है, साल की एडमिशन फीस लगती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल का भी इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। आप नहीं कह सकते कि इस वजह से सरकार डूब जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से सरकार डूब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दूसरी स्टेट से थोड़ा ज्यादा दे रहे होंगे ये मैं कहता हूं, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि इस वजह से भैया सरकार डूब जाएगी तो ऐसा नहीं है। बात करते हैं टैक्स की, तो क्या आपको कोई टैक्स में रिडक्शन मिली है? कोई नहीं है, ये तो सेक्टर के हिसाब से जैसे टैक्स आता है वही है, तो मतलब जितना टैक्स आप दे रहे हो उतना तो आपको देना पड़ रहा है। उल्टा जो लोग सेविंग कर रहे होंगे वो अपना पैसा बैंक्स में रख रहे होंगे, तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, वेल्थ जो है हमें पता चलेगा हमारे पास पैसा कितना है। पहले गरीब आदमी जोड़ ही नहीं पाता था, सेव ही नहीं कर पाता था, तो वो बैंक में क्या रखेगा? अब वो बैंक में एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंश्योरेंस लेता होगा, अलग से SIP कर लेता होगा, सेविंग कर लेता होगा, फिक्स डिपॉजिट कर लेता होगा, तो वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आए होंगे। इसको श्रीलंका के साथ मत जोड़िए कि भैया श्रीलंका में जो चीज हुई है वो यहां भी हो जाएगी, ठीक है? ये एक स्टेट है और स्टेट को स्टेट की तरह देखिए। हमारे इंडिया एक डेमोक्रेटिक, आपको पता है यहाँ पे सरकार बनती है, तो इसको उसके साथ मत जोड़िए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखकर चलती हैं, तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा करने दीजिए, तो सोचकर समझकर ही किसी के बारे में कुछ बोलिए। मैं यहाँ पर केजरीवाल के बारे में बोल नहीं रहा हूं, मैंने यहाँ पे सिर्फ तथ्य रखे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि इन चीजों का बर्डन पड़ता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है? चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, 1000 से ज्यादा लाइक्स करिए, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो डेफिनेटली लाइक भी आना शुरू हो जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।